अब पूरे अदमिया मिलके मेरे को हीरे मिलके मारे तो मैं क्या करूं? आप लोग मेरे को बोलो, मेरे जान को धोखा, मेरा मर्डर कराते बोल के बोरे, और मेरी अम्मा बहन कर गए। मैं केस इसलिए बुक करा रही हूं मीडिया पे, क्योंकि मेरे माँ बहनों तक गए, मेरे माँ बहनों तक नहीं जाना। और रही बात अच्छे खासे बच्चे साड़ी पहन के 10-10 रुपये 11-11 हज़ार 21-21 हज़ार पैसे मांग रहे। आदमी नॉर्मल आदमी 400 कमाता, ये लोग साड़ियाँ पहन के 11-11 हज़ार रुपये मांग रहे केक से। रोगा कहाँ से लाना लॉकडाउन का टाइम है? अगर आपको यकीन हो रहा तो बोला पुलिस मीडिया के साथ मैं चलती हूँ, किसकन से किसकन से सदा के लिए, उन लोगों के भी बयान ले लो भैया। आप अभी आपको प्रॉब्लम क्या है इन्होंने? हाँ, मेरे से क्या प्रॉब्लम है बोलते? मैं अब हवेली गई थी तो उन्होंने एक सरदार बने, नवे उनका नाम साबेरा नायक है। उन्होंने क्या बोले, मैं हिजड़ा हूँ, मैं भी उन्हों भी जैसे अंदर से मैं भी वैसे छू, तू बाहर निकल, हम तेरा फैसला नहीं लेते, तेरे गुरु से बात करते, हम तेरे से बात नहीं करते, तू निकल आना, नहीं तू जो करता कर ले पीएस से, हम तेरा मर्डर कराते बोल के पूरे माके उनको बोल रहे। तो वो साबेरा ना क्या बोले, तू जा बोल के बोले। और मैं मीडिया भी गवाह इस बात की कि मेरे को वहां से हका ले सो, मीडिया पूरी मीडिया आंखों से देखी मेरे को वहां से हवेली के बाहर हका ले सो। और रही बात मेरे को ये है, मेरी उम्र 21 है, मैं डिग्री ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है अनवर रूम कॉलेज से, मेरा डिग्री ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बीएससी बॉटनीजोलॉजी केमिस्ट्री में पढ़ी हुई हूँ। और आप मैं सर्टिफिकेट भी बताती हूँ आपको। और मेरी ये है कि मेरी अपील ये है कि लोगों से कि मैं हैदराबाद में जब तक मेरी सांस लेंगे, मैं जब तक हैदराबाद में रहकर जब तक मैं मांगूंगी मेरे को कोई नहीं रोकेगा। और मैं कभी जुलुम करी तो कोई भी अगर किसी दुकान पे जाके जुलुम करी, कोई शादी के घर पे जाके मेरे को 11,000 दिए 21,000 दिए बोलते, मेरे ऊपर भी कानून, मेरे ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं। और मेरा नाम मेरे घर वाले रखे से मेरा नाम अजाली है। मैं किन्नर हूँ, और मेरे को किन्नर हूँ मेरे को किन्नर बनने की ख्वाहिश थी। मैं 12 साल मैं जैसे 10th पढ़ी और इंटर पढ़ी, डिग्री पढ़ी, उसके बाद हमारे घर वाले नहीं मैं किन्नर हूँ बल्कि नहीं माने तो मैं घर से अलग होके हमारे हिजड़ों का नहीं, हमारे गुरु का नाम साजिद भाई है और साजिद गुरु है मेरे गुरु का नाम। और मेरी हवेली रंगीन हवेली हाईकोर्ट मदीना 94 बस स्टॉप के अपोजिट में हवेली है। और मैं इसलिए इस मीडिया पे ये कहना चाह रही हूँ कि मैं आज हमारे में रूल्स है शादी का कि कोई हिजड़े आके जो कंगन लगाया शादी के घर को निशान लगाया उसकी बधाई होती, तो हम लोगों में ऐसी रूल्स में चला रही हूँ थी, तो मैं एक निशान लगवाई तो पूरे जने मेरे को आके मेरे निशान पे बधाई ले लिया, मेरे को मेरे पैसे। वैसे मेरे जजमान कहने जा जजमान बोल तो जो पैसे देने वाले रहते शादी की, जिसकी शादी हुई बेटी की, उन लोगों बोल के क्या बोले, देखो मैं आज गई वो घर पे तो दूसरे जने आके ले लेके गए बोलते, मैं वो अंजुम हबीबा बोल के है, उन लोगों को मैं फ़ोन करी क्या हुआ मेरे बधाई कहीं को लिए, पैसे कहीं को लिए, मेरे बोलते तू क्या करता कर ले, तेरा मर्डर कर देते हम लोग, कुछ भी कर लेते हैं, तू हिजड़ा है ना, तू जहाँ तक हुआ वहाँ तक कर ले बोल के बोले। वो कोई हिजड़े नहीं है लोग, पूरे आदमी आए हैं, पूरे उनका मेल टेस्ट कर सकते हैं लोग, सब कोई किन्नर सब कोई ट्रांसजेंडर सर्जरी करा के कोई सब हिजड़ा बनता, कोई अल्लाह पाक ऊपर की तरफ से कोई हिजड़ा नहीं बनता, ये खुदरत का कोई हिजड़ा नहीं, कोई नहीं बनता खुदरत से, सब जाके विजयवाड़ा और पूरे XYZ पूरे हर जगह जाके क्रॉस सर्जरी करा के आते वो लोग पूरे, और सेटिंग अप मुँह पे औरत के जैसा चेहरा आने के लिए पूरे बाल वाल लगा के मुँह को जला के पूरे बाल को जला के लेज़र सेटिंग लेते पूरे जिसम पे औरत के सर का गोरे होना बल्कि औरत का फीमेल हार्मोन्स बोल के लेते, यूट्यूब पर मारे तो आया था फीमेल हार्मोन्स बोल तो वो ले रहे 10-10 हज़ार के इंजेक्शन ला लेके हम हिजड़े बोल के पूरे दुकान वालों को पूरे जजमानों को पूरे हर जगह काली मंदिर सन सिटी मणिकोंडा पूरा इधर पूरे अमीर पे वो काली मंदिर सन सिटी लंगोरोस पूरी अत्तापुर पूरा राजीनगर पीएस सब हर पीएसओ में हिजड़ों के इतने केस हैं मगर के हिजड़े पुलिस वाले जान दो बोले, असल पुलिस को सच्चाई नहीं मालूम, पुलिस क्या समझ रही है हम लोग हिजड़े जान दो ना हिजड़े है ना पाप बोल के। और हर कोई हिजड़ा थोड़े हिजड़ों को जोरू बच्चे भी है, वो जोरू बच्चे जैसो सुबह में जाते पैंट शर्ट पहन के लोग शाम में पैंट शर्ट पहन के उनके गुरुओं के जाते पैंट शर्ट उतार के साड़ी ब्लाउज पहन के फिर घर को तो साड़ी ब्लाउज पहन घर को पैंट शर्ट पहन लेके जाते घर में से टिफिन का डब्बा लेके क्या बोलते मैं काम पे जा रहा हूँ यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ बोलते, कोई हिजड़ा नहीं है ऊपर अल्लाह की खुदरत से मैं बोल रही हूँ कोई हिजड़ा नहीं है, सबको मेल टेस्ट डीएनए करो डीएनए में मालूम होता कौन हिजड़ा है कौन लेडीज और जेंट्स, बच्चे के हार्मोन्स टेस्ट करे तो क्या आता डीएनए मेल बोल क्या आता अच्छा मर्द रहा तो, और औरत रही तो क्या आता एक औरत बोल क्या आता एक हिजड़ा है, हिजड़े को टेस्ट करो उसको मालूम होता कि कोई हिजड़ा नहीं था। पहले निज़ाम सरकार के ज़माने में हिजड़े थे
वो अल्लाह वाले हिजरत थे जब उनकी थी, तो निज़ाम सरकार उनको ऑर्डर लिख के देते कि तुम यहाँ रह सकते। अब उनको मर के करके उनको बहुत ज़माना हो गया। यहाँ पर पूरी हैदराबाद सिटी में, कोई दिल्ली, पंजाब, लखनऊ, हरियाणा, कलकत्ता, पूरे सारे हिंदुस्तान में कोई डेली दुकान पर 10-10 रुपये नहीं मांगता। यहाँ पर कई जोड़े डेली, एक नहीं, हर दिलशुद नगर, हिमायत नगर, मणिकोंडा, ओए कॉलोनी, लंगोरोस, काली मंदिर, संजीवी, आप लोग मीडिया से ये गुजारिश है, आप लोग वहाँ पर जाके हर दुकान पे पूछिए कि हिजड़े क्या काम करते। हिजड़े आते हैं, आज हर कोई पे बच्ची के, कोई भी गरीब बच्ची की शादी हो तो हिजड़े 4 बजे रात को 2 बजे रात को पी के लोगों के घर पे खटके मार के, शादी के घर को लंगे होके, लोग 1100 दिए तो नहीं लेते, ना 21 दिए तो नहीं लेते, हमारे को 11000 होना, 11000 होना। कोई भी लोग लॉकडाउन में कौन कहाँ से लाना, कोई भी जजमान, पहले सबका हाथ चैट चल रहा, कौन भी कहाँ से लाना, बोलो पैसे। ये सब हमारे हम लोग के गुरुआ भी क्या है, आदमियों को भी साड़ी पहना के रीत डाल के, हमारे लोगों में रीत डाल के 300-300 रुपये रोज़ के, महीने को 3000 कमाई खा रहे हैं। और हमारे गुरु को आज मैं इसलिए मीडिया पे इसलिए आई कि मेरा नाजायज, मैं हक़ पे रह के भी मेरे को हक का फैसला, मेरे को हक का फैसला कोई मान रहे नहीं, इसलिए मैं आज मीडिया पे आई। और मेरे जान को खतरा है, ये पूरे हिजड़े क्या बोले, अगर तू पुलिस मीडिया में गए तो तेरे को जान से मार देते। तू जान से खतरा है, कौन बोले आपको? मेरे को ये पूरे ललिताबाग के पूरे हिजड़े बोले, उनके नामा बोलती हूँ, मीनाक्षी बोल के है वो, मीनाक्षी मेरे को क्या बोल रही है, मेरे को तेरे को जान से मारने लगा देती बोल के उन्हें बोल रही हूँ। मन्नू बोल के एक मेथर है मन्नू, उन्हें आज मेरे को तो मेरे को ऐसा मारे बोल के मैं वहाँ लेके गई। कहाँ पर? ललित भवानी नगर PSK SI साहब और 4 जवान आए वहाँ पर, मेरे को बोले मयूरी हाँ तुम रो नको, तुम्हारा दुख। मैं वहाँ पर PS को लेके गई, मीडिया को लेके गई, तो पूरे वहाँ के ललिताबाग के पूरे घर को लॉकडाउन के पूरे भाग गए। यहाँ पर हाईकोर्ट मदीना का, वहाँ पर हमारे गुरु सरदार रहते हैं, वहाँ पर उनका नहीं गए, उनका जाके तो उन्होंने मेरे को फ़ोन करे, क्या हुआ, पुलिस को मीडिया को कहीं को लेके आ रही तो हम आके इंसाफ दिलाते बोल के मेरे को बोले। तो ये मेहराज भाई रिपोर्टर एक मैं मीडिया को भी SI साहब को नहीं वहाँ पर ललिताबाग को लेके गए, तो वहाँ पर कोई भी लॉक डाल के चले गए, तो मैं मदीना से फ़ोन आया तो हमारे पूरी मीडिया के सामने और SI साहब के सामने हमें वीडियो कॉल, उन्होंने हमारे सरदार वीडियो कॉलिंग करके मेरे को बोले आ बेटा तेरे गुरु को लेके आ, बोलता मैं क्या बोली, हमारे गुरु मेरे फ़ोन आने उठा रहे, बोलते उन्होंने क्या बोले आ बेटा मैं तेरा फैसला करती हूँ बोल के मेरे को बुलाए। तो मैं वहाँ पर गई, वहाँ गई तो मेरी सुने देरेश नहीं, तो उन लोग वहाँ से बगभग 30-40 जने पूरे थे घर में, आप उनके घर में कैमरे आप देख ले सकते हैं, 30-40 जने थे। मेरे को वो पूरे लातों से इधर से पूरे बाला खींच दिए, इधर के उधर खींचे, तो मैं पूरा ऐसी रोले थे, पूरी मीडिया के सामने बाहर आई। और वहाँ पर एक लाल दरवाजे, वहाँ पर के पुलिस चार मीनार, PSK भी पुलिस वाले जवाना भी थे वहाँ पर, वो लोग आए तो उनके सामने रोई, पूरा मदीना एक हो गया। तो अब मेरे को क्या बोल रहे लोग, अगर तुम मीडिया में PS में जाएंगे तो तेरे को जान से मार देते हम लोग, और तेरे को मंगने नहीं आए थे तो कोई मंगने नहीं आते बोलते मेरा के मैं यहाँ ही रह के मैं यहाँ पर कहीं को नहीं मांगू। उनको कोई गवर्नमेंट रूल लिख के दिया क्या, कोई रूल लिख के दिया क्या, नहीं मंगना नहीं खाना बोल के कोई गवर्नमेंट रूल लिख के दिया क्या? मेरी मर्जी, मैं हैदराबादी हूँ, मैं तेलंगाना हूँ, मैं भी एक वोट डालते हो वोटिंग में, मेरा मैं भी एक वोट डालते KCR को साहब को वोट डालते मैं भी, और मेरा भी हक है, मैं हैदराबाद।